इस बार वैशाख अमावस्या पर तीन शुभ योग बन रहे हैं। अगर इस विधि से पूजा करेंगे तो पितृदेव प्रसन्न होंगे। आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। वैशाख मास की अमावस्या 7 मई मंगलवार के दिन बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। तीन तीन शुभ योग लेकर के ये अमावस्या हम सभी को प्राप्त हो रही है। इसमें सौभाग्य योग्य, शोभन योग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि हमें पूरे दिन अमावस्या के दिन यह प्राप्त होंगे। पितृ दोष काल सर्प योग, इन सब के लिए जो जातक हैं इनके पितृ दोष के और काल सर्प के, इनके लिए बड़ी शुभ अमावस्या ये आ रही है। इस दिन ये इनकी शांति का उपाय करेंगे तो इनको बड़ा ही लाभ होगा। घर में पितरों के लिए सुबह से ही स्नान ध्यान करने के पश्चात तर्पण आदि कार्य करें और जितना हमसे हो सके उतना पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त शुभ कार्य करें। गौ को ग्रास दें, घास डालें और तर्पण करें, पितरों के लिए होम अज्ञारी करें। ऐसा करने से पितृ और देवता दोनों प्रसन्न होंगे। घी का दीपक जलावें, पीपल के अंदर समीप में घी का दीपक जलावें, संध्या के समय प्रार्थना करें, पितृदेव से प्रार्थना करें और अमावस्या के दिन जितना हो सके अन्न का दान करें। अन्नदान से पितृ तथा देव दोनों प्रसन्न होते हैं। अन्न सबको संतुष्ट कर सकता है, इसलिए पितृ शांति के लिए, काल सर्प शांति के लिए जितना हो उतना अन्न दान करें। जिनको काल सर्प की शांति कराना है वह अमावस्या के शुभ अवसर पर काल सर्प योग की, पितृ दोष की शांति करावें। घर में पूजन पाठ करें, भागवत का, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, जिससे कि घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।